तो यार मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो यार तो देखो यार, कल की बात है कि यार एक पोस्ट FB ऑफिशियल पबजी मोबाइल की एक वायरल हो रही है कि यार 30 अक्टूबर से जो पबजी के इंडियन सर्वर से वो टेंसेंट गेम्स की तरफ से बैन होने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारे जनों के सर्वर बैन हो चुके हैं, अब भी धीरे धीरे सबके हो भी जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या ये बैन परमानेंट है? तो ये बिल्कुल नहीं है यार। मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेप्स है वो पबजी कॉरपोरेशन यानी क्राफ्टन गेम यूनियन के द्वारा लिया जा रहा है, और ये पहला स्टेप हो सकता है पबजी अनबैन इन इंडिया। अब ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो यार हाल ही में जो क्राफ्टन गेम यूनियन है उनकी मैं वेबसाइट सर्च कर रहा था, तो अभी मुझे क्या पता चला है कि देखो, इससे पहले क्या होता था कि जो पबजी के जो अदर प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि PC हुआ, कंसोल हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे तो पबजी कॉरपोरेशन आता है ना कि टेंसेंट गेम्स। बस जो पबजी मोबाइल है और पबजी मोबाइल लाइट है वो बस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है टेंसेंट। तो अभी होने क्या जा रहा है, मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बता देता हूँ। तो मतलब क्या हो रहा है कि जो पबजी कॉरपोरेशन है वो अभी होने जा रहा है क्राफ्टन गेम यूनियन। कुछ सुनने में अलग लग रहा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हो गया है कि जो पबजी कॉरपोरेशन है अब उसमें क्राफ्टन गेम यूनियन ने 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए। और अभी देखो, जो पबजी कॉरपोरेशन है वो क्राफ्टन गेम यूनियन की सब्सिडी है अभी फिलहाल। तो अब देखो बेसिकली होने क्या जा रहा है कि 2 दिसंबर तक तो सारे यूज़र डाटा है वो अभी धीरे धीरे आएगा क्राफ्टन गेम यूनियन तक। अब 2 दिसंबर के बाद यानी कि ठीक अभी 4 हफ्ते बाद अभी नई रिलीज डेट आएगी पबजी मोबाइल इंडिया की। और ये जो अभी सब जो सर्वर डाउन चल रहा है वो एक फर्स्ट स्टेप है पबजी अनबैन की ओर। और ये अभी मुझे लेटेस्ट न्यूज़ मिली थी और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अभी आपको पता चल ही हो गया होगा कि एग्जैक्टली सीन क्या है, तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी पबजी अनबैन होने की बहुत ही कतार पे, क्योंकि पबजी को मेनली इसी बेसिस पे बैन किया गया था कि उसमें चाइनीज कंपनी टेंसेंट के स्टॉक्स है। लेकिन अभी बेसिकली होने का जा रहा है कि किसी भी ऑल प्लेटफॉर्म जो है उनका सबका एक्सेस जाने वाला है क्राफ्टन गेम यूनियन को। तो बेसिकली अभी वो कोई चाइनीज कंपनी है नहीं, और वो तो कोरियन कंपनी है, इससे कोई मतलब इंडिया में प्रॉब्लम भी नहीं होगा और जल्दी से जल्दी अभी अपने को मिल जाएगी डेट। तो यार ऐसे अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। बस आज के अभी ये जो इंस्टेंट न्यूज़ आई थी वो मुझे बतानी थी आपको। आई होप सो कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।